हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए हैं। ऑलरेडी मैंने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के कब आपके टाइम टेबल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके 15 मार्क्स से फर्स्ट सब्जेक्ट ही क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको क्या करने हैं, 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे एग्जाम में। कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि ईच क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। तो सबसे पहला पेपर आपका कंपनी लॉ का फर्स्ट पेपर है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब आप क्या समझते हैं, कंपनी की मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कंपनी का क्या अर्थ है, उसकी विशेषताएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के बीच क्या अंतर है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही हैं एग्जाम में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज प्रमोटर, प्रवर्तक कौन होता है, ठीक है, हु इज प्रमोटर। नेक्स्ट 4 है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट इट क्लॉज, पार्षद सीमा नियम क्या है, इसके खंड बताइए। देखिए, जितने भी आपके 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी डॉक्यूमेंट्स, जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो तीनों को आप क्या होता है, उसके क्या क्या क्लॉजेस हैं, तीनों को मैंने यहाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके क्लॉज क्या है, ये चीज़ें तीनों डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लेना। चौथा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड द फ्लोटिंग चार्जेस। फिक्स्ड और जो फ्लोटिंग चार्ज है उसके बीच में क्या अंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी। भाई, कंपनियों के कितने प्रकार होते हैं, जैसे पब्लिक हो गई, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ये सारे कंपनियों के आप कोई भी कंपनी है उसमें से पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, उद्देश्य से परे सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जैसे देखिए, कंपनी लॉ में जैसे छोटे छोटे क्वेरम क्या होते हैं, मिनट्स क्या होते हैं, फिर प्रमोटर कौन होता है, तो ये सारे डॉक्टर ने फल्टर, ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है और एग्जाम में बिल्कुल इससे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोविजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, मतलब एक सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करने के क्या क्या प्रावधान होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शेयर, भाई अंश कितने क्या होते हैं, व्हाट आर शेयर, शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी लॉ के फर्स्ट पेपर के थे। आते हैं कंपनी लॉ के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने जस्ट आपको बताया, जैसे जो मीनिंग मतलब छोटे छोटे टर्म्स, क्यूएरएम क्या होते हैं, रिजोल्वेशन क्या होते हैं, मिनट्स क्या होते हैं, प्रमोटर कौन होते हैं, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसमें एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्यूएरएम क्या होते हैं, रिजोल्वेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। दूसरा है, माइनॉरिटी राइट्स क्या होते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तीसरा है, काइंड्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन क्या, कितने तरह के होते हैं और क्यों ये किया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग बाय द वाइंडिंग ऑफ कंपनी, और कितने तरह की वाइंड अप ऑफ कंपनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशक कितने प्रकार के होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, उनके क्या टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें। पांचवा क्वेश्चन है, हु इज लिक्विडेटर, व्हाट आर इट्स ड्यूटीज, परिसमापक कौन होता है, लिक्विडेटर कौन होता है और उसकी क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो ये आपके कंपनी लॉ सेकेंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग में तो यही इंपॉर्टेंट है, भाई कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन क्या है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग, उसकी डिफिनेशन, उसके फिर क्या है नेचर, उसके स्कोप, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लागत लेखांकन की क्या है, प्रकृति क्या है, उसके कार्य क्षेत्र क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो हमारे कॉस्ट होते हैं क्लासिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट, क्या कहते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, अब उसको भी बांटा गया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, तो वो सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन के बीच अंतर क्या है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं।
चौथा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द अपॉर्चमेंट एंड द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत के बंटवारे और आवंटन के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है। पांचवा क्वेश्चन है मशीन आवर रेट क्या होता है। छठवां है लेबर की क्या मीनिंग है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं लेबर कॉस्ट के, वो सारी चीज़ें। तो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकेंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वॉट इज यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग क्या होता है, अगर हम इसको हिंदी में कहें इकाई लागत क्या है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस्ट शीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉस्ट शीट, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके प्रिपरेशन क्या होते हैं, ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है प्रोफार्मा जो है। तीसरा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, व्हेन इट इज यूज्ड, परिचालन लागत क्या है, इसका उपयोग कब किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। पांचवा क्वेश्चन है टेंडर प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट BRF बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, पहला की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए, तो डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध क्या है, इसके वैध अनुबंध की अनिवार्यता की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, विभिन्न प्रकार के अनुबंध या समझौते क्या हैं। देखिए पहला तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट होता क्या है, कितने तरह के एग्रीमेंट टाइप्स होते हैं, वॉयड, वर्डेबल, एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड, ये सारी चीज़ें जितने भी टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। डिफरेंस बिटवीन द वॉयड एंड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी एंड गारंटी, अंतर शून्य और शून्य करोड़ी अनुबंध, ठहराव अनुबंध एक एवं क्षतिपूर्ति और गारंटी, वॉयड और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या अंतर है, ठीक है, एग्रीमेंट का भी पूछ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी गारंटी, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज कंसीडरेशन, प्रतिफल क्या है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मतलब निक्षेप का अनुबंध क्या है, और जो एक बेलर होता है और बेली की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं BRF के सेकेंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिक्री के समझौते और बिक्री के अनुबंध में क्या अंतर है। दूसरा है काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक, भाई चेक क्या होता है, कितने तरह के टाइप्स होते हैं वो चेक रेखांकन के प्रकार। तीसरा है देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपके तीनों आ जाएंगे, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक, इन दोनों में डिफरेंसेस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 क्या है और क्या चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हैं इसमें हुए। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ वारंटीज, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और लास्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। जिन्होंने भी पहला वाला नहीं देखा है फर्स्ट सेमेस्टर का तो वो भी देख लेगा। ओके, थैंक यू।